Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good friends and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब के अपडेट के साथ जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है IBPS की तरफ से PO यानी मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के ऊपर 2023 के लिए. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है. तो जिनको नहीं पता कि IBPS क्या होता है उनको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू पर ईयर PO या मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रिक्रूट कराई जाती है डिफरेंट बैंक्स के लिए. तो फ्रेंड्स ये आपका जो है 13th नंबर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है. तो अगर आप भी बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है. साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एग्जाम की डेट, पैटर्न, इनिशियल इनहैंड सैलरी सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग अभी बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो आपका 3049 है जो कि अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपका हाफ से भी कम सीट आया है. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि IBPS PO का जो 11th नंबर की वैकेंसी आई थी 2022 में उसमें आपका 6900 सीट्स के लिए वैकेंसी थी, बट यहाँ पे वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया है, 3049 सीट्स पे ही आपकी वैकेंसी आई है. तो घबराना नहीं है, हमें तो भैया एक सीट से मतलब है और हो सकता है कि आपका सीट को बाद में इंक्रीज भी कर दिया जाए. तो हो सकता है कि 6000 वैकेंसी ना आए बट कुछ तो इंक्रीमेंट होगा ही बाद में. सो आप लोग टेंशन नहीं लो और चलो हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे आपका जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो आपका 1st of August 2023 है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 21st of August 2023 रहने वाला है. अब बारी आती है एज लिमिट की. तो फ्रेंड्स योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023. मिनिमम एज 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया है. अगर आपका बर्थ हुआ है 2 अगस्त 1993 टू 1st ऑफ अगस्त 2003 के बीच में तो आप इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हो. यहाँ पे फ्रेंड्स रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का और अदर जो कैटेगरी को मिलता है रिलैक्सेशन स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको देख लेना. तो आइए फ्रेंड्स अब आपको फॉर्म की फ़ी बता देती हूँ. तो अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपसे यहाँ पे 175 रुपीज़ लिया जाएगा, वहीं जनरल एंड अदर कैंडिडेट से 850 रुपीज़ यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस ली जाएगी. तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं जो कि है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एज ऑन 21st of August 2023. मतलब कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो अगर 21st अगस्त तक तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, क्योंकि आपसे आपका परसेंटेज पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन में आपका क्या परसेंटेज है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हो. साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, कोई सा भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का तो आप एलिजिबल हो इसके लिए. तो आइए मैं बता देती हूँ कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यहाँ पे कितने रहने वाले. ऐसे तो फ्रेंड्स जो भी IBPS की वैकेंसी होती है उसमें आपके 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं, बट यहाँ पे आपको जो वैकेंसी आई है 5 बैंक्स के लिए है. तो मैं बैंक्स वाइज वैकेंसी भी आपको बता देती हूँ. बैंक ऑफ इंडिया के 224 सीट्स है, केनरा बैंक के लिए 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2000 है, PNB के लिए 200 है, पंजाब एंड सिंध के लिए 125 सीट्स पे आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है. तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है. सो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन 3 मेजर स्टेजेस फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें आपका CBT पेपर होता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है. देन होता है आपका मेन्स एग्जाम, ये भी ऑनलाइन CBT होता है. तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे ही आपका मेरिट बनता है, इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है. तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करने के बाद आपका जो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तब जाके आपकी ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है. तो चलो मैं आपको एग्जाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ.
सबसे पहले प्री का एग्जाम पैटर्न समझ लो आप, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए एंड 1 आवर का होता है, बट ये ना जनरल एग्जाम के जैसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ना टाइम आपका जो है सेक्शन वाइज रहता है, कि अगर आप इंग्लिश बना रहे हो तो इंग्लिश का आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप मैथ्स में जा सकते हो। तो अदरवाइज अगर स्किप करोगे तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट चला जाएगा और उस चीज़ को आप फिर बाद में दोबारा नहीं बना सकते हो। तो चलो मैं बता देती हूँ, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए एंड 20 मिनट्स का आपका टाइम रहता है। देन आपका मैथ्स का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए एंड 20 मिनट्स इसके लिए भी टाइम रहता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स के लिए 35 मार्क्स के लिए एंड आपका जो है 20 मिनट्स का सेक्शन रहता है। अब बारी आती है आपकी मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो ओवरऑल जो आपका मेंस का एग्जाम होता है वो 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स के लिए होता है। तो इसमें सेक्शन ए में फ्रेंड्स आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए एंड 60 मिनट्स में होता है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट्स का पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए एंड 40 मिनट्स में आपका होता है ये। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए एंड आपका टाइम 45 मिनट्स रहता है। तो सेक्शन ए जो आपका ओवरऑल होता है 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 3 आवर्स का पेपर होता है। देन होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स का ये होता है। तो ओवरऑल आपको बता दिया है कि 3 आवर्स 30 मिनट का आपका मेंस का पेपर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बता दिया कि आपका सिलेक्शन किस वे में होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। अब बता देती हूँ इनिशियल इन हैंड सैलरी। तो आप जब इनिशियली ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी 52,000 टू 55,000 के अप्रॉक्स होती है पर मंथ की सैलरी। और बैंक के जॉब में ना आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपका जो जॉब लोकेशन होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। तो फ्रेंड चलिए अब मैं आपको प्रीवियस ईयर की कटअप बता देती हूँ, यानी कि 2023 में आपका प्री का क्या कटअप रहा था। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स का 49.75 था, ओबीसी के लिए भी 49.75 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 49.75 था, एससी कैंडिडेट्स के लिए 46.75 था, एसटी के लिए 40.75 था। सो ये सारी ओवरऑल डिटेल है फ्रेंड्स आपका IBPS PO रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस वेल। और अगर आपको समझने में कोई सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, मैं वहां पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ ही साथ वहां पे आपको मेरे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम भी लिंक मिलेगा, आप चाहो तो वहां जाके भी मुझे फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सारी जॉब अपडेट की वीडियो को टाइम पे शेयर करते रहना ताकि उनको भी नॉलेज हो सके अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।